Hi guys, good evening. This is Dilip here and welcome back to my channel Unsecure Academy. Guys, in today's video I am going to discuss about the important document for UPP police, which is very important for you guys, okay? So now in this video I am going to discuss about all the things that we have to discuss, okay? But if you are new here, please share and subscribe my channel. आज की खास वीडियो हम डिस्कस करने वाले कि ऐसे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो आपकी पुलिस में यूपी पुलिस की वैकेंसी में लगने वाले हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या सही है क्या गलत है। बहुत सारे रिमर्स भी उड़ाए जा रहे हैं कि ऐसा नहीं, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ऐसे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, नहीं तो आपको फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, ऐसा ही अफवाहें चल रही हैं। लेकिन सभी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे, ओके? तो आइए टाइम वेस्ट ना करते सीधा पॉइंट पर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि रियल में क्या चीज़ें जरूरी है हमारे यूपी पुलिस के लिए, ओके? सबसे बड़ी कन्फ्यूजन की बात रहती है कॉस्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट। जब से वैकेंसी आई है तब से इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट किए जा रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि यूपी पुलिस की वैकेंसी के फॉर्म भरने जा रहे हैं कहीं जाके कोई बहुत बड़ा अखाड़ा लड़ने वाले हैं हम लोग, ओके? तो सबसे पहले देखते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें। बात करते हैं ओबीसी और जनरल के लिए। पहली पॉइंट ओबीसी एंड जनरल, वी आर टॉकिंग अबाउट द ओबीसी एंड जनरल कैंडिडेट्स, ओके? नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू स्टडी अबाउट इट, ओके? तो सबसे पहले देखते हैं डोमिसाइल एंड कास्ट सर्टिफिकेट ये कहाँ कहाँ लगने वाले हैं और कब के ये वैलिड होने वाले हैं, कि मतलब अभी रिसेंटली का चाहिए या बाद का चाहिए। सबसे पहली बात करते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट की बात करते हैं, जिसे हम निवास प्रमाण पत्र के नाम से जानते हैं, निवास के नाम से, ओके? आपका रेसिडेंशियल के नाम पे जानते हैं। ये सर्टिफिकेट आपका कभी का भी बना होना चाहिए, डजंट मैटर, क्लियर कर रहे हैं, एक कभी का भी बना होना चाहिए, कोई मैटर कोई मायने नहीं करता है। हालांकि अगर आप बनवाने जा रहे हैं कास्ट सर्टिफिकेट तो सजेस्ट करते हैं कि आप साथ में कास्ट सर्टिफिकेट के साथ इसको भी बनवा लीजिए, लेकिन अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट की बात करें तो कभी का भी हो वैलिड रहेगा हमेशा के लिए, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो डोमिसाइल आप कभी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कभी का बनने होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 10 साल पहले का हो जो कि ऑफलाइन बनता था, वो वाला नहीं, ऑनलाइन मोड का ही होना चाहिए और कभी का भी होना चाहिए, डजंट मैटर, ओके? दूसरी बात करें हम कास्ट सर्टिफिकेट की, तो जो कास्ट सर्टिफिकेट है जनरल वालों के लिए तो लगता नहीं, आपको भी पता है, हाँ, लेकिन जो ईडब्ल्यूएस वाले होते हैं उनको ईडब्ल्यूएस बनाना इंपॉर्टेंट होता है। और कब का बनाना चाहिए, 1 अप्रैल 2023 के बाद का, आफ्टर 1 अप्रैल 2023 एंड बिफोर 16 जनवरी 2024, यानी कि 1 अप्रैल 2023 के बाद और 16 जनवरी 2024 के पहले के बीच का होना चाहिए आपका EWS सर्टिफिकेट, एंड दैट इज द सेम थिंग अप्लाई ऑन इट, वही चीज इस कास्ट सर्टिफिकेट भी अप्लाई होती है जो कि ओबीसी वालों के लिए। हालांकि एससी वाले के लिए तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर का जो झंझट होता है वो सिर्फ ओबीसी वालों के लिए होता है। तो ओबीसी कैंडिडेट के लिए इनका भी कास्ट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2023 के बाद का और 16 जनवरी 2024 के पहले का होना चाहिए। इज दैट क्लियर माई पॉइंट, शायद आपको समझ में आया होगा। 1 अप्रैल 2023, ओके, इससे बाद का और 16 जनवरी 2024 के पहले का, इस बीच का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओके? डोमिसाइल की कोई बात नहीं है, ईडब्ल्यूएस भी आपका इसी डेट का होना चाहिए, क्लियर? बात करते हैं एससी एसटी के लिए। एससी एसटी कैंडिडेट की बात करें तो जो एससी एसटी कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट कभी का बनाना चाहिए, झंझट नहीं, क्योंकि एक क्रिमिनल लेयर और नॉन क्रिमिनल लेयर का झंझट इनके पास नहीं रहता है। तो कभी का बनाना चाहिए, बस यही होना कि ऑफलाइन मोड वाला ना हो, ऑनलाइन मोड का होना चाहिए, जिससे आपको यहाँ पर आप फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन में भी ऐसा ही लिखा गया, कुछ लिखा नहीं गया कि आपको बहुत पहले का चाहिए इसका या अभी जल्दी का चाहिए। अगर हाँ, अगर आपकी इच्छा है तो आप बनवाना चाहें तो बनवा सकते हैं, डजंट मैटर, आप कर सकते हैं। और दूसरी बात करते हैं कि ये जो सर्टिफिकेट होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, ये स्टेट का होना चाहिए या सेंट्रल का होना चाहिए। एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपको जो पीपी पुलिस की वैकेंसी में आप कास्ट सर्टिफिकेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो आपका सेंट्रल के बजाय आपको स्टेट का होना चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन में क्लियर दिया गया है कि जो भैया आप बनवा रहे हो उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ स्टेट वाला होना चाहिए, सेंट्रल वाला वैलिड नहीं होगा, ओके? और बात करते हैं लास्ट में अदर स्टेट की बात करें तो अदर स्टेट वालों के लिए कोई झंझट नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी जनरल में काउंट होंगे और उनके लिए कोई आरक्षण की कोई बात ही नहीं होती है, इसलिए इनके लिए कोई झंझट नहीं है, बिंदास फॉर्म भरो, 100% बेटर, ओके? तो ये सारी चीज़ें थी जो आपने देखा। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसमें इस यूपी पुलिस की वैकेंसीज में
सभी वर्ग के लिए, चाहे वो एस सी एस टी कैटेगरी हो, चाहे ओ बी सी हो, चाहे जनरल हो, सभी के लिए 3 साल की उम्र और बढ़ा दी गई है। 3 साल यानी कि आपके एज से 3 साल एक्स्ट्रा आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इज दैट क्लियर माई पॉइंट? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर चैनल वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, जय हिंद गाइज़।